हाँ जी बिस्मिल्लाह, वो कॉल कट गई थी आपके, वो सिग्नल सिग्नल। हाँ हाँ जी पता हेलो। नहीं क्या करें, इसे दे रहा था मास एफ एक्स्ट्रा टेबलेट और एक आवाज आ रही है जनाब। आ रही है? अब आ रही है? हेलो। हाँ जी आ रही है। अच्छा इस ये मेरी पहले से जान अफवाह है, मतलब बेहतरी है पहले। जी पहले से बेहतरी है इंशाल्लाह। ये जी टाइम लगता है, मैंने ये कहा, ये जितनी होम्योपैथी की मेडिसिन्स होती हैं ये इनमें टाइम लगता है, लेकिन ये है कि देर पा असर होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ तो ये मैंने जो आपको कैल्केरिया फ्लोर 6x और कोनियम 200, ये आप जारी रखें इसको। अच्छा हाँ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और फुहार का जहां तक जी, नहीं आप पहले बात करेंगे, क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं ना, दे डोंट लेट एनी बॉडी टू स्पीक। नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप सुन लें प्लीज मेरी बात। हाँ हाँ बस ये एक ये कर लें, दूसरा ये है कि इसको जो बारीक आ रही है और वो छाननी सी बन जाती है असल में, तो उसका ये पुराना वाला है, वो थोड़ा सा आजमाएं, थोड़ा प्रेशर से अल्लाह करे के दूध से सही आना शुरू हो जाएगा। और वो आप 2 लीटर दूध में 100 ग्राम इसमें सफेद जीरा, 2 लीटर दूध। जो बड़े सफेद वकील जीरा होते सौ ग्राम हैं, सर। नहीं जो बड़े वकील होते हैं ना, उन्होंने साथ मुंशी रखे होते हैं, उनको लिखवाते जाते हैं। वही ना, वो मुंशी बेचारा लेके लगा लिखने। आ लिखे ही। हाँ बस दो दो 2 लीटर दूध और 100 ग्राम उसमें सफेद जीरा, खुले बर्तन में रात को भिगो दें ठीक है। और सुबह उठ के उसके अंदर 1 पाव डाल दें शक्कर। अच्छा हाँ शक्कर ना मिले सर तो गुड़ वगैरह होगा ना सर। हाँ गुड़ गुड़, चीनी नहीं डालनी। ये बड़े 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 लुटेरे चोरों के चीनी के कारखाने हैं, इसलिए मैंने चीनी नहीं डालनी। आज वो हमारे लीडर, हमारा इमरान खान अच्छा कहता कहता ये बड़े बड़ा माफिया, बड़ा माफी, वाकई बड़े माफिया हैं, बड़े चोर हैं, और ये आप 1 पाव शक्कर डाल देनी है और बिलो के इसको पिला दें बिस्मिल्लाह करके, और ड्रेंचिंग गन रखें एडवोकेट साहब जी। इनको पिलाने के लिए ना, नाल वगैरह की बजाय ड्रेंचिंग गन रखें, उससे अथू नहीं लगता, इनको ड्रेंचिंग नहीं होती, वो सांस की नाली में नहीं जाती दवाई या कोई चीज भी दे दे, ठीक ये है? ठीक हाँ ठीक तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह फजल करेगा, वो देखें ठीक होगी इंशाल्लाह, ठीक है? और दूसरा यह है कि अच्छा सर वो, इसका एक और हाँ हाँ करें आप, जी। अब आपकी बारी अच्छा है। वो जो मास एफ एक्स्ट्रा गोलियां थी हाँ वो जारी रखनी है या वो छोड़ देनी है? वह छोड़ दे यार, कोई एक्स्ट्रा उफ्ट्रा गोलियों का नहीं, ये बेस्ट कलकेरिया फ्लोर 6x और कोनियम 200। केरिया
क्लोकलकेरिया अक्सर ये हो गया। फ्लोर अच्छा, इसके बैरूनी जो ऊपर इसके वो आ जाता है, मतलब क्या कहें उसे, वो बंद हो जाता है पैर की तरफ, उसके लिए कोई एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह लगाया थन पे किसी नहीं, किस्म की? क्रीम तो अगर कोई थोड़ी वो इंजरी हो या सारा, तो फिर तो हम क्रीम में मैं रिकमेंड करता हूँ वो क्रीम लगाते हैं, या एक एलवी जेस्ट पाउडर होता है ना, स्प्रे होता है ना, सॉरी। इस वक्त मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा घूम रही है ना चीजें, तो लोग बड़े बड़े सवाल करते रहे। अभी कोई घोड़ों वाले पूछ रहा है कोई गंदा कुछ। तो ये मैं भी इस वक्त थोड़ा सा दफा 302, 307, पता नहीं क्या क्या दफो मेरे जो अल्लाह माफ करे, वो अल्लाह माफ करे, 302 पर अल्लाह माफ करे। मेरे दिल में, दिमाग में अब दफा भी बड़ी सारी घूम रही है। तो इनको एक होता है एक सीटीसी स्प्रे होता है, सीटीसी हाँ स्प्रे, हाँ या टेराजेन स्प्रे, टेराजेन प्लस, जेनो प्लस, हाँ टेराजेन प्लस या ये भी सीटीसी। सीटीसी, हाँ ठीक है। अच्छा, ये साइको टेट्रा साइक्लिन होती है। अच्छा जी, ये ऊपर स्प्रे करके था। हाँ स्प्रे अगर करना पड़े ना बाहर, कोई चीज हो, इंजरी हो या कोई इस तरह की चीज है कोई, तो फिर उस पे टेराजेन स्प्रे कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, और होम्योपैथी का ये जो मैंने आपको बता दिया है ना, एक कलकेरिया फ्लोर 6x और कोनियम 200, इसके साथ एक और भी ले आए, वो 3 दफा 3 बोतलें ले आए अल्लाह का नाम लेके, वो है अडर फिट। फिट, हाँ अडर फिट, अडर होता है ना वाना, अडर फिट उस, हाँ हाँ अडर फिट, जी। हाँ जिस तरह बंदा अपने आप को फिट रखता है, उसको अडर को भी फिट रखे, ठीक है। वो देंगे तो अच्छा, इंशाल्लाह ताला, वो भी होम्योपैथी की है अडर फिट, ठीक अच्छा है। सर, इसमें एक और मैंने पूछनी थी बात, जो डिस्कस करनी थी, इसी के साथ तो रिलेटेड इसके है जो या इसका वो, इसी के साथ हाँ जी रिलेटेड जी है जी या कोई और? इसी 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 के साथ, हाँ चले करें। इसी के साथ, इसका वो जो थन है ना, वो असल में वो क्या कहते हैं, मैं नहीं, वो जैसे दूसरे थन होते हैं उसमें, वो दूध जब उसे टीका लगाते हैं या फल नीचे उसका बच्चा छोड़ते हैं, तो हाँ जैसे वो हम दूसराइती में कहते हैं ना, संगा कर जाना, तो यानी वो थन जो है ना, वो थोड़ा सा सुस्त रहता है बाकी थनों की नस्बत। हाँ पहले वो तो बिल्कुल खत्म हो गया था पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे, लेकिन उनकी तरफ मुकम्मल, मतलब जैसे वो इरेक्ट हो जाते हैं ना, जब दूध आता है टीका हाँ लगाते हैं दूध के लिए, या वो उस तरह नहीं हो रहा, थोड़ा सा फर्क हो रहा है, हाँ रिकवरी हो रही है, लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। नहीं वो फिर उसके लिए थोड़ा सा, ये तो हुए ये होम्योपैथी के जो मैंने दी है, ये थोड़े सुस्त रवि का शिकार होता है, इसका असर जो है इतना ज्यादा तेजी से नहीं आता। लेकिन वो अगर करना है तो वो ये जो थोड़ा सा सही तरीके से पसमाया, उसको पंजाबी में कहते हैं पसमा नहीं रहा, सही पसमाया नहीं, जो आपने कहा ना रेक्ट नहीं हो रहा, वो दैट मीन्स के पसमा नहीं सही रहा, और उसका जब पसमा को ठीक करना है, पसमा अगर बराबर करना है तो आपको एक लैक्टोवेट, लेक्टो वेट, हाँ लैक्टोवेट, ये एक समझ लें टीका नुमाई होता है, लेकिन होती है ये आगे से इसके निपल बनी होती है, वो थन के अंदर चढ़ाते हैं, वो आपने जब दो इसकी चुआई कर ले ना, तो ये करेंगे तो क्या ही बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो आपने जब मैंने चु दो दफा मैं ये ट्यूब
ये तो नहीं, वो एक दूसरी थी स्पेक्ट्रा मास्ट और एक और थी मास्टी मैस्टी जेट, ये दो ट्यूबे मतलब ये चढ़ा चुका हूं। कितने वो 12 घंटे हाँ बाद, पहले एक जी एक करके फिर सुबह उसको खाली कर देना है, और फिर वो इस्तेमाल नहीं करना दूध जो उसका होगा उस स्थान का जिसमें चढ़ानी है। जी जी वो किया इस तरह किया या किस तरह किया? बिल्कुल इस तरह वो तो, मतलब शाम को दूध मुकम्मल साफ करके उसका तो वो उस पे चढ़ा देते थे और वो इंजेक्ट करके फिर हाथ रख के सुराख ऊपर की तरफ मालिश करनी थी उसकी, हाँ इस मालिश तरह करते बताया हैं, था उसने बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि। हाँ। और सुबह फिर 12 घंटे के बाद फिर वो दूध जो था वो उसे मतलब खाली कर दे, साफ कर देते हाँ थे। एक दफा स्पेक्ट्रा मास्ट और फिर 2 दिन छोड़ के फिर डॉक्टर ने बताई मैस्टीजेट, उसने तो कोई और पता लेकिन वो मिल नहीं रही थी, फिर मैस्टीजेट में ले आया था। हाँ मैस्टी अगर मैं ये क्लॉक्स, 12 लैग को देखूं तो मैस्टी कौन कौन सा दूध कमजोर है। एक और होती है, उसको कहते हैं मैस्टी क्लॉक्स, मैस्टी क्लॉक्स। मैस्टी क्लॉक्स हाँ ये IMM होता है, ये इंट्रा मेमोरी होता है, यानी थन के अंदर इंट्रा मेमोरी जो होती है ना, ये होता है, ये इन्फ्यूजन इसको कहते हैं, इंट्रा मेमोरी। ठीक है, और ये मेरी जान इसमें होता है, ये असल में एम्पिसलीन होती है और क्लॉक्सासिलीन होती है, तो ये अच्छी चीज है, इससे बैक्टीरिया वगैरह सारे उसके मरेंगे, खत्म होंगे। तो ये आप देख लें, अगर करा लें ये करना, और एक बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन खुद मैं किसी को भी फार्मर को कहता हूं कि खुद ना चढ़ाए, एक्सपर्ट को मंगवा के तो फिर वो चढ़वाए, वो है कोबैक्टन 2.5%। गोबैक्टन सर, को कोबैक्टन हाँ, CoBACTAN, जी को ठीक कोबैक्टन 2.5%। 2.5%, ठीक है आई ये भी देख लेता हूँ। IMM ही कहना है उनको, कहना कि जी ये दें IMM, दिस इज द बेस्ट फॉर क्लिनिकल क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो होता है ना, फॉर कोई भी जी लैक्टेटिंग काउज होगी, बफलोज होगी, ये काउ है ना, भैंस है, जी चलें भैंस काउ एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। तो ये आप, ये मेरी जान, कोबैक्टन 2.5% IMM, ये खुद नहीं करना, चढ़ाना है तो जो नहीं मैं एक्स डॉक्टर को बुलाता हूँ आप डॉक्टर बोलिए को, डॉक्टर। खुद नहीं करना, डॉक्टर को कहना है इसको पहले साफ कर ले, खाली करके अच्छी तरह डिसइनफेक्ट करके, हाथ हाथ से हाथ भी अपने, उस बेहतर है इन लोगों को ग्लव्स, जिस तरह कोरोना से हम लोगों ने शुरू शुरू में तो ग्लव्स के बगैर जाते ही नहीं थे बाहर, अब तो छोड़ दिया, लेकिन यह कि करना है। ठीक है, और पूरी मैयर्स लेके, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, तो एडवोकेट साहब अल्लाह फजल करेगा, दुआ भी करूंगा। असल में अच्छा है एक और भैंस है, मैंने दूध वो, ली बस थी मेरी अर्ज सुन नीली लें के इसको, रेफरेंस में। जी जी ये इसको सेव कर लो ना, फिर दूसरी भैंस को भी ये मैंने दे लिख दो। लिए हैं, ये मैं रजिस्टर मेरे सामने पड़ा, मैं लिख रहा हूं आपके नहीं लिए, लिख लिखा तो और लिए लिख हैं, रहा हूं जब दूसरी भैंस का है तो प्रोग्राम जो हाँ, जो उसका दूध रिकॉर्ड हो कैसा रहा है है, जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके वो लिए भी मैं मैं दूसरी